इस वीडियो के अंदर हम आपको कक्षा 6 विज्ञान विषय का पहला पार्ट भोजन ये कहाँ से आता है इस पूरे पार्ट को अच्छे से आपको समझाएंगे और इस वीडियो के अंत में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा बिना स्किप किए तो आपको ये पूरा का पूरा पार्ट अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपको एक वादा करना है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने वाले हैं बिना स्किप किए। तो अगर आपने ऐसा करा तो आपका ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में भी आ जाएगा और आपके दिमाग में छप भी जाएगा। तो देखिए आप शुरू करते हैं हम पहला पार्ट। तो आप सबको पता है कि विज्ञान विषय का ये पहला पार्ट है कक्षा छठी का। तो पहला पार्ट देखें उससे पहले थोड़ा सा हम परिचय देख लेते हैं विज्ञान का। 2 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी ये बताना मेरा फर्ज नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिले, क्योंकि हम जो विषय पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा तो पता हो हमें। तो विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं, यानी देखो सिंपल तौर पे मैं अगर बताऊं कि प्रयोग द्वारा सिद्ध प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन और सुव्यवस्थित अध्ययन को ही विज्ञान कहते हैं। तो ये तो परिभाषा हो गई, ऐसे तो आपको समझ में आएगा नहीं। सिंपल सा मैं आपको देता हूँ कि देखो वह ज्ञान, ज्ञान का अर्थ तो आप सबको पता है कि ज्ञान क्या होता है, ठीक है, यानी नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है। किसी आप ये सब पढ़ रहे हैं ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो सब ज्ञान है। तो वह ज्ञान जिसे हमने क्या है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया है, प्रयोग शब्द को चलो छोड़ दो, आप ये समझ लो आपने सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, ठीक है। सत्य जो सत्य है वह विज्ञान है, ठीक है ना, सत्य ही विज्ञान है, यानी जो सिद्ध किया जा सकता है वह विज्ञान है। जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास आंखें हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास आंखें हैं, क्या आप प्रूफ नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ना बिल्कुल प्रूफ, तो ये क्या है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो वह ज्ञान जिसे हम प्रूफ कर सकते हैं वह सब किसमें आता है, वो सब विज्ञान के अंदर हम देखते हैं, ठीक है। और वो क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध का अर्थ होता है कि जैसे ये चल रहा है उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे, तो ऐसे क्या होता है कि क्रम होता है उसके अंदर पूरा, ठीक है, लाइन वाइज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो ये पूरा हम विज्ञान का ऐसे परिचय की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे और आपको उसमें इमेजेस भी दिखाएंगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि विज्ञान के जनक कौन है, यानी विज्ञान के जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। नाम ऐसे सुन लें आप, गैलीलियो गैलीली को विज्ञान का जनक कहा जाता है। कभी पूछ ले छोटा सा प्रश्न तो आपको याद रहना चाहिए और विज्ञान का अर्थ आपको समझ में आ गया, जिसे भी हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं वह ज्ञान विज्ञान है। आगे देखते हैं, आगे हमारा पाठ का नाम है भोजन ये कहाँ से आता है। पाठ समझने से पहले हमें पाठ का नाम समझना होगा, तो नाम समझते हैं। तो देखें आप भोजन, इस पूरे पाठ के अंदर भोजन के रिलेटेड बात की गई है। तो भोजन क्या होता है आप सबको पता है, जिसका हम सेवन करते हैं वो भोजन है, यानी जो भी हम खाते हैं वो भोजन है। आप चाहे तो दाल रोटी खाओ, चाहे तो आप मतलब चिकन खाते हो अगर आप मांसाहारी हो, ठीक है, तो कुछ भी खाओ आप वो सब क्या है, भोजन है। मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी ये सब अभी हम देखने वाले हैं इसके अंदर परिभाषाएं, ठीक है, इमेजेस भी हम इसके अंदर देखेंगे बहुत सारी। तो ये जो भोजन है इससे हमें क्या मिलती है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चौथी पांचवी से पढ़ रहे हैं कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे हम काम कर पाते हैं। जैसे आपको पता है कि आज आप खाना नहीं खाओ, ठीक है, दोनों टाइम का आपने खाना नहीं खाया तो आप कितने ज्यादा सुस्त होने लग जाओगे, कितने ज्यादा आपको भूख भी खतरनाक लगेगी और आपसे कोई काम भी नहीं होगा, आपका सिर चकराने लग जाएगा, यानी आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब आप खाना खा लेते हैं कोई अच्छा अपना फेवरेट खाना खा लेते हैं, कोई प्रोटीन वाला खाना खा लेते हैं, विटामिन वाला खाना खा लेते हैं, यानी जिसके अंदर अच्छे गुण हो वो खाना आप खा लेते हैं, आपका मनपसंद खाना खा लेते हैं, तो आप देखते हो कि आपकी एकदम शानदार आपको ऊर्जा मिल जाती है। और फिर उसके बाद आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, ठीक है, जो आपको कठिन विषय लग रहा होता है वो भी आसान लगता है कभी कभी, तो अच्छा खाने के बाद ये फायदे हो जाते हैं क्योंकि उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही देख रहे हैं कि ये भोजन जो है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिसका हम सेवन करते हैं, तो वो कहाँ से आता है ये, यानी ये मिलता कहाँ पे है। तो आप सबको पता है देखो इसमें सिंपल सी बात है कि पादपों यानी पेड़ पौधों से ही हमें प्राप्त होता है, ये तो आप सबको पता है, ठीक है, अभी हम इसके सारे पॉइंट देखेंगे डिटेल में। और दूसरा ये कहाँ से मिलता है, तो हमें जंतुओं से भी मिलता है, यानी एक तो डायरेक्ट जंतु को खा के भी लोग मतलब चला लेते हैं, जैसे ठीक है मुर्गा खा लिया, ठीक है मछली खा ली, तो ये सब जंतु खा लेते हैं डायरेक्ट, या फिर जो जंतु है मतलब वो जो उत्पाद करते हैं, जैसे देख सकते हैं कि गाय जो है वो दूध देती है, ठीक है, उससे मक्खन बन जाता है, पनीर बन जाता है, तो ऐसे भी हम खाते हैं। तो ऐसे बहुत सी जंतु है जो उत्पाद देते हैं उससे भी हम खाते हैं, जैसे पादप भी बहुत से फल फ्रूट देते हैं वो भी हम खाते हैं, ठीक है, पेड़ भी कुछ पेड़ तो डायरेक्ट खाने योग्य भी होते हैं, ठीक है, कुछ फूल खाने योग्य होते हैं, जैसे फूल को भी आप देखते हैं घर में बनती है, तो ये सारी चीजें
हमने थोड़ा सा इसके बारे में समझा। अब हम एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे पूरे पार्ट को। तो देखें, कच्ची सामग्री का अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि वह सामग्री जो अभी क्या है, कच्ची है, यानी वो सीधी प्रकृति से ली गई है, अभी तक उसे पकाया नहीं गया है, कि मानव द्वारा उसको आग चूल्हे पे अभी पकाया नहीं गया, वो सब क्या है, कच्ची है। यानी जो आपने देखो एक फ्रूट आया, उस फ्रूट को आपने सीधा पेड़ से तोड़ लिया तो वो कच्चा है। ऐसी कोई भी सब्जी है वो आपने ले ली तो वो सब क्या अभी कच्ची है, जब आप उसमें अच्छे से उसको काट के धो के उसको पकाएंगे तो वो एक पक्की सामग्री बन जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप देखें इसमें बहुत ही आसान एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो वो आसान एग्जाम्पल हो सकता है मांस का एग्जाम्पल, यानी गोश्त जो आप कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी जानवर है उसका जो मांस होता है, ठीक है, यानी उसकी जो किसी भी, जैसे आप समझो कोई शाक मतलब मांसाहारी है वो मछली खाता है, तो जो मछली खाता है वो मछली को क्या करेगा, पहले मछली पकड़ के लाएगा, तो वो अभी क्या है, वो कच्ची सामग्री है, ऐसे वो उसको टुकड़ों में तोड़ देगा तो भी वो क्या है, वो कच्ची सामग्री है। अब उसको काट के जब वो पकाएगा उसके बाद वो पक्की सामग्री बनती है, जब तक वो क्या है, कच्ची सामग्री है। गेहूं भी एक कच्ची सामग्री है, आपको पता है कि गेहूं भी हमारे कच्ची सामग्री है। अब गेहूं को पिसा के हम उसका आटा बनाएंगे, उसके बाद उसमें पानी डाल के जब हम आटा गूंदेंगे उसके बाद हम रोटी पकाएंगे, और जब रोटी बन जाएगी यानी जो चपाती आपकी बन जाएगी वो आपकी पक्की सामग्री है, जब तक गेहूं क्या है, कच्ची सामग्री है। सिंपल सी बात है, दाल चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं, ये सब कच्ची सामग्री, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादपों पेड़ पौधों इनसे प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दूध, दूध आप सबको पता है कि हम पीते हैं, पर दूध से बहुत सी चीजें बनती हैं। अंडा, ठीक है, अंडा खाते हैं बहुत से लोग, मुर्गा, ठीक है, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, यानी हमें जंतुओं से भी बहुत सी चीजें मिल रही है, अंडा मिल रहा है मुर्गी, ठीक है, मुर्गा मिल रहा है, मछली मिल रही है, झींगा मिल रहा है, मांस मिल रहा है, ये सब चीजें हमें जंतुओं से प्राप्त हो रही है। अब कुछ क्वालिटी इमेजेस देखते हैं, तो ये आपको पहला इमेज दिख रहा है जिसमें आपको कुछ वेजिटेबल्स दिख रही है, ठीक है, सब्जियां आपको दिख रही है, तो इन सबके आपको नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताने हैं। ठीक है, इन सभी के नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको अलग अलग, यहाँ पे धान भी दिख रहा है, ठीक है, अनाज दिख रहा है, तो इसके भी आपको नाम बताने हैं। आगे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत से फ्रूट्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये फ्रूट्स है, ये सब आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, इन सब का भी आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। जितने ज्यादा नाम आप बताएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद रहेगा, और उतना ज्यादा आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, और आप जब पॉइंट लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो आपको सारे जो उदाहरण है वो जल्दी जल्दी याद आएंगे, अगर आप ऐसे नाम बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो आगे देखें आप, यहाँ पे आपको मछली, ठीक है, मांस और अंडे, ठीक है, दूध, ये सब दिख रहा है, और भी चीजें आपको दिख रही है, उन सबका भी आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है वह है गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि बहुत से ऐसे पशु हैं जो क्या है कि दूध देते हैं, जैसे गाय, बकरी और भैंस, ये सब क्या है, दूध देते हैं, ज्यादातर हम गाय का दूध पीते हैं, ठीक है, और बहुत सी जगह पे बकरी का दूध भी बहुत ज्यादा फेमस है, और कहीं कहीं भैंस के दूध भी पिए जाते हैं, वो वहाँ पे भी भैंस के दूध पिए जाते हैं बहुत सी जगहों पे। तो ऐसे तीनों के दूध क्या है, ज्यादातर प्रचलित होते हैं, ये सामान्य हमें किससे मिलते हैं, पशुओं से ही मिलते हैं। ठीक है, गाय का दूध गाय से मिलता है, बकरी का दूध बकरी से मिलेगा, भैंस का दूध भैंस से मिलेगा, खत्म बात। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आपको भी पता है कि आप पनीर भी खाते हो, आपको अच्छा भी लगता होगा किसी को, ठीक है, घी अच्छा लगता होगा आपको, रोटी पे जब घी लगा के देते हैं तो आपको अच्छा लगता है, ये सब किससे बनता है, ये दुग्ध उत्पाद है, यानी ये दूध से हमें मिलता है, दूध ही से हमें मतलब घी मिलता है, क्रीम मिलती है, पनीर मिलता है, दही मिलता है, मक्खन मिलता है, ये सब दूध उत्पादित मतलब पदार्थ है। ठीक है, और ये संसार के प्रत्येक क्षेत्र में खाए जाते हैं, ऐसा तो है ही नहीं कि पनीर केवल इंडिया इंडिया में खाया जाएगा, या फिर आपके सिटी में ही खाया जाएगा, बाहर जगह पे नहीं खाया जाएगा, अमेरिका में भी पनीर खाया जाता है, ठीक है, बाहर भी घी मिलता है, ठीक है, पर इंडिया में शुद्ध घी मिलेगा आपको, तो इंडिया में ही रहें आप। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, उससे पहले कुछ इमेजेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बकरी दिख रही है, यहाँ पे आपको गाय दिख रही है, ये सब दूध देती है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको मक्खन दिखा है, ठीक है, बटर भी आपको दिख रहा है, ये कितने शानदार इमेजेस है, आपके मुंह में पानी भी आ रहा होगा। ठीक है, ये पनीर है, अगर आपको पनीर अच्छा लगता है तो पनीर देखते ही आपको पनीर की सब्जी की इच्छा होने लग गई होगी। आगे चलते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफी भी मांगता हूँ कि आपको हमने इच्छा जगा दी खाने की, पर
पर इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मम्मी को कहें कि मैंने एक पूरा पार्ट अच्छे से याद कर लिया है, कवर कर लिया है, तो मेरे लिए आज पनीर की सब्जी बनाई जाए, नहीं तो बाजार से थोड़ी सी मंगा ली जाए। आगे देखें, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधताएं हैं। आप सबको पता है कि भारत के अंदर तो हर चीज में विविधता है, किसमें विविधता नहीं है? तो तभी तो हम कहते हैं कि विविधता में एकजुट बना हुआ देश है, ठीक है, विविधता में एकता वाला देश है हमारा भारत। देखो आप कहाँ का विविधता देखती है आपको, आप अपने आसपास देखो, आसपास जब आप देखते हैं तो आपको अलग अलग जाति धर्म के लोग दिखते हैं, यानी कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, ये सब अलग अलग जाति के लोग आपको दिखते हैं, आपके क्लास के अंदर आपको अलग अलग जाति के लोग दिखते हैं, तो कितनी ज्यादा विविधता है, यानी अलग अलग है सब, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं कि भाषाएं कितनी अलग है, ठीक है, कोई कन्नड़, कोई तमिल, कोई तेलुगु, कोई हिंदी, कोई मलयालम, वो कितनी सारी भाषाएं हैं, तो इतनी सारी भाषाएं तो उनमें भी सब में अलग अलग विविधता है, कोई कौन सी भाषा बोलता है, कोई कौन सी भाषा बोलता है, ऐसे ही कोई कौन सा भोजन खाता है, कोई कहाँ पे कौन सा भोजन प्रचलित है, वो भी कितनी ज्यादा वेरायटी है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर आप तमिल की साइड जाएंगे तो आपको जो इडली डोसा जो होता है वो ज्यादातर फेमस होता है, ठीक है। राजस्थान में है आप तो आपको दाल बाटी आपको पता है कि फेमस है ज्यादातर, तो ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग खाने की चीजें फेमस होती है और अलग अलग जगह पे अलग अलग भोजन खाया जाता है, तो बहुत ज्यादा विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है। अभी हमने देखा कि पौधे से हमें भोजन मिलता है और जंतु से भी हमें भोजन मिलता है, तो ये वाला पॉइंट भी हमें समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ अच्छे से इमेजेस दिख रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने अलग अलग आपके भोजन दिखाए हैं, ठीक है, ये समोसा है आपके, यहाँ पे अलग अलग सब्जी आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते कितनी सारी वेरायटी है सब्जी की, ठीक है, तो ये पूरी एक थाली है जिसमें अलग अलग आपको सब्जी देखने को मिल रही है और स्वीट्स भी आपको दिख रहे हैं। अगला पॉइंट देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। आप सबको पता है शाकाहारी कौन है? जो केवल क्या खाता है, पादपों को खाता है, पेड़ पौधों से प्राप्त चीजों को खाता है, पेड़ पौधों को खाता है, वो शाकाहारी है। वो क्या करता है, वो मांस का बिल्कुल भी सेवन नहीं करता है, ठीक है, वो क्या है, शाकाहारी होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, ऐसे शाकाहारी के एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, गाय एक शाकाहारी जंतु है, ठीक है, घोड़ा एक शाकाहारी है, भेड़ हो गया, ठीक है, मुर्गा हो गया, तो ये सब क्या है, शाकाहारी है, ये शाकाहारी नहीं है, ठीक है। इसमें मैं रेड कलर से इस पर क्रॉस बनाता हूँ, ये शाकाहारी नहीं है। अभी हम देखेंगे कुत्ते को हम किस में डालेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं, ये भी आपको पता है कि शाकाहारी है। आगे चलते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं वापस पेन का, व्हाइट कलर कर देते हैं, देखें आप पेरोट भी आपके शाकाहारी नहीं है, ठीक है, इसको भी वापस रेड करना पड़ेगा। तो पेरोट क्या है, तो वो आपको अभी देखने को मिलेगा। आगे देखें, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो आप सबको पता है कि जो केवल क्या है, जंतुओं को ही खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधे नहीं खाएंगे, केवल जंतुओं को खाएंगे, वही मांसाहारी कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मांसाहारी कौन कौन हो जाते हैं, मांसाहारी आप सबको पता है कि ये आपका जो इतना भयानक आपका टाइगर दिख रहा है, ये टाइगर क्या है, मांसाहारी है। शेर क्या है, मांसाहारी। ये घास फूस मतलब जो मतलब पौधों से जो प्राप्त होती चीजें वो नहीं खाते हैं, पौधों को नहीं खाते हैं, ये क्या खाते हैं, इंसान को खाते हैं, ये कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं, ठीक है, ये केवल मांस खाते हैं। तीसरे प्रकार के लोग कैसे हैं, जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं, यानी जो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं, जो सब खाते हैं, आपको नाम से भी दिख रहा है, सर्वाहारी, सब खाने वाला, ठीक है, तो सर्वाहारी है जो सब खाता है। जैसे कौवा, कौवा जो होता है वो सब खाता है, ठीक है, कौवा क्या होता है, सब खाता है। ऐसे अगर आप देखें कि जो आपके कुत्ता है वो भी आपके मतलब मांस भी खाता है और आपके पेड़ पौधों से जो चीजें मिलती है उसे भी खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, ठीक है ना। इंसान भी जो है मनुष्य, उसे सर्वाहारी में भी रखा जाता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, वो दोनों चीजें खा सकता है। आगे देखें, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संघटक कहते हैं। बहुत ही आसान है, संघटक, संघटक करते हैं कि वह घटक मतलब जो मिला हुआ है, यानी संघ है, साथ है, आपको नाम से समझ में आ रहा है, तो किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाली सामग्री को संघटक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी, ठीक है, पानी, ये सब किसमें, खीर के संघटक हैं, यानी जो खीर है उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, उसके संघटक क्या है, यानी उसको किससे मिलकर बनी है ये संघटक, ठीक, किससे मिलकर ये खीर बनी है। तो आप सबको पता है कि दूध भी डाला होगा, चावल भी डाले होंगे, ठीक
चीनी भी डाली होगी, पानी भी डाला होगा, तो इन सब से मिलकर बनी है, तो ये सारे क्या हो गए, खीर के संघटक हो गए। सिंपल सी बात है, इतनी आसान चीज है। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा इमेज आपको दिख रहा होगा, ये देखें आप, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये देखें कितना प्यारा इमेज है। ऐसे जब हम छोटे थे तब ऐसे ही हम इमेजेस को देखते थे, टीवी के अंदर बहुत से ऐसे ऐड देखने को मिलते थे। आगे चलते हैं, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। किसी भी जो बीज होता है उसको अंकुरित कब होता है, यानी अंकुरण कब होता है, जब उस बीज से छोटा सा पौधा निकलता है और उसे हम खा भी सकते हैं, खाने योग्य होता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आपने कभी खाया भी होगा, आपके घर वालों ने खिलाया भी होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बीज था, ये अंकुरित होने लग जाता है, ठीक है, तो इसको अंकुरण कहते हैं। फिर उसके बाद तो पेड़ निकल जाता है, तो पेड़ निकलने से पहले ही उसको रोक दिया जाता है, उसको अंकुरित कर दिया जाता है और उसे खा लिया जाता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। आप सबको पता है कि देखो जो मधुमक्खियाँ होती है वो शहद कहाँ से लाती है, वो फूलों को चूसती है। आपने इमेज देखा होगा, अभी हम इमेज भी देखेंगे, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं मधुमक्खी क्या करती है, फूल का जो रस है उसको चूस रही है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मीठे रस को मकरंद कहा जाता है, यानी नेक्टर कहा जाता है। तो ये जो है आपका नेक्टर, जो ये बाद में क्या बन जाएगा, शहद बन जाएगा। ऐसा छत्ता बना दिया जाता है और ये शहद फिर हम इससे मधुमक्खियों को हटाकर शहद निकाल लेते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके है वो है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट जो है पेड़ के अलग अलग क्या क्या पार्ट होते हैं, तो वो हमें देखने को मिल रहे हैं इस इमेज के अंदर। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे इमेज को, ताकि इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। तो ये इमेज जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सब क्या पत्तियां हैं, ठीक है। तो लीफ यानी पत्ता है, तो ये भी खाने योग्य होता है, ठीक है। ऐसे ही आप पे देखें, आप यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स हैं यानी फूल है, ठीक है। फूल जो है तो वो भी खाने योग्य होता है। आगे देखें, फ्रूट्स जो है, जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट्स हैं, तो ये फल हैं जो वो भी खाने योग्य है। तना जो होता है स्टीम, वो भी खाने योग्य होता है, जैसे गन्ने का भी तना ही होता है। रूट होता है जो जड़ होती है, वो भी खाने योग्य होती है, ठीक है। गाजर होती है, चीजें जो होती है जड़ से मिलती है। आगे यहाँ पे ये सब फ्रूट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पेड़ पौधों के अंदर पार्ट है जो खाने योग्य होते हैं। पर सभी पेड़ पौधों के सेम पार्ट खाने योग्य नहीं होंगे, किसी का समझो पत्ते खाने योग्य हैं तो किसी के फ्रूट खाने योग्य होंगे यानी फल खाने योग्य, किसी के रूट खाने योग्य होंगे यानी जड़ खाने योग्य होगी, किसी का तना खाने योग्य होगा, सबका तना खाने योग्य नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, पादपों के वे भाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद, ठीक है, खाने योग्य भाग कहते हैं, जो हमने पहले भी आपको बता दिया था, फल फूल पत्ता जड़ तना आदि इत्यादि, ये सब क्या है, खाने योग्य चीजें हैं। अब हम आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर, तो महत्वपूर्ण सारे प्रश्न उत्तर आपको कवर करने हैं, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को आपको मिलेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिया है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। बहुत ही आसान जवाब है इसका, नहीं होती है। हमने बात करी सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, वे विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट आवास आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं, ठीक है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं, जो हमने देखा, जैसे शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी जो केवल जंतु उत्पाद खाते हैं, सर्वाहारी जो पादप एवं जंतु दोनों उत्पादों को खाते हैं। तो इन तीनों की परिभाषा भी आप इसमें लिख देंगे उत्तर में, तो आपका उत्तर सर्वश्रेष्ठ उत्तर बन जाएगा और आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। पांच पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी उसे खाया जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, हमने इसमें इमेजेस को भी रखा है, तो आपको ये अच्छे से आप बता पाएंगे और आपको याद रहेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तने से हमें क्या मिलता है, आलू मिलता है। ये आप आलू देख रहे हैं, तने से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखें, मूली जो होती है आपके जड़ तथा पत्तों से प्राप्त होती है, मूली जो होती है जड़ और पत्तों से प्राप्त होती है ना। आगे देखें, अमरूद जो है वो फल है, अमरूद क्या एक फल हो गया, तो ये आपको अमरूद का भी फोटो दिख गया है। आगे देखें, गाजर जो होती है वो जड़ होती है, तो ये गाजर जो होती है जड़ है उसको अंदर से निकाला जाता है। आगे देखिए, गेहूं जो है वो किससे मिलते हैं, बीजों से मिलते हैं, तो ये बीज से हो गया गेहूं। तो ये पांचों हमने बता दिए हैं। आगे देखते हैं, खाद्य पदार्थों के दो मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। खाद्य पदार्थ के आपको दो मुख्य स्रोत बताने,
2 सेकेंड ये। तो खाद्य पदार्थ के कौन से दो मुख्य स्रोत हैं? एक तो पादप हो गया, ठीक है, पादप का क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है। तो ये पादप का कितना प्यारा फोटो हमने दिया है इसके अंदर आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं जंतु, जंतु भी हो गया, ठीक है, गाय भेड़ बकरी ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमने पहले देख लिया। संगठक क्या है? अभी अभी हमने देखा था संगठक क्या थे, ठीक है, जैसे आपने देखा था खीर बनाने का हमने एग्जाम्पल लिया था, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। दूध, चावल, चीनी, मतलब पानी, खाद्य पदार्थ, खीर के संगठक हैं। हम चाहते थे यहाँ पे दूसरा उत्तर भी दे सकते थे, पर हमने जो पहले पढ़ा दिया उसी को उत्तर दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ें, ठीक है, ये किसी एक चीज़ के संगठक हैं। आगे चलते अंकुरण, अंकुरण के बारे में भी हम बात कर चुके थे, जैसे ये कहा था हमने कि अंकुरित चीज़ें होती है और ये बहुत हेल्दी होती है, आपको बहुत फायदा देगी। आपके गार्डन के आसपास देखना, सुबह सुबह जो ये अंकुरित चीज़ें आपको खिलाई जाती हैं वहाँ पे बेची जाती है, 10-20 रुपये में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज़रूर खाएं। और ये खा के चखें, नहीं तो घर पे मम्मी को कहना, तो वो बीजों को अंकुरित करके आपको देगी। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है, सिंपल। आगे देखते हैं मकरंद नेक्टर किसे कहते हैं? तो ये हमने देखा फूल, ये फूल को चूस रही है मधुमक्खी, कितनी डेंजरस लग रही है, कितना प्यारा फोटो है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। और ये आपका पूरा पाठ खत्म हो गया, ठीक है। इस वीडियो को एक दो बार और देख लेना आप रिवीजन के लिए, तो आपको ये पूरा पाठ अच्छे से याद हो गया होगा, वैसे और भी आपको पक्का याद हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कौन सा पार्ट आपको देखना है तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।